तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की हमारी इस न्यू वीडियो में। तो भाई आज हम बात करने आ रहे हैं सौरभ सिंह से। तो भाई बताइए आप कितने साल हो गए इस कार को लिए हुए? 2 साल से 1 महीना अधिक हो गया है। 2 साल से 1 महीना अधिक। चलो ठीक है, चलो फिर चलते हैं लोकेशन पे और आगे बात करते हैं। आ जाओ रमेश भैया। उधर से निकल जाएंगे, फिर मरे हैं। इधर से निकल जाओगे और इधर ही चाय कौन पिए? चाय गर्मी लग रहा है। गर्मी लग, जल्दी बैठो चुपचाप। चलो भाई चलो। तो भाई ये है मारुति सुजुकी अर्टिगा का ZDI प्लस वेरिएंट। भाई अगर कुछ भी कहो इस कार में यार, इसका टॉर्क की बात अलग ही है यार। डीजल का बंद कर दी बट यार, मतलब चीज अलग ही थी डीजल में। तो भाई कितने किलोमीटर चल चुकी है ये अभी तक कार? 35,111 है। 35,111 किलोमीटर। और इसमें हमें, इस कार ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है भाई आपको? एकदम मस्त। नहीं मतलब कैसा क्या रहा आपका एक्सपीरियंस इसके साथ? आपको क्या लगता है कि पेट्रोल कार लेनी चाहिए था आपको या डीजल पे ही ठीक है? कभी नहीं पेट्रोल, कभी नहीं। तो भाई ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप पेट्रोल कभी नहीं लेना चाहते हैं? अभी मैंने 2 दिन पहले पेट्रोल ही चलाई थी। अच्छा, क्या लगा आपको पेट्रोल चला के? की i10। i10 तो क्या लगा आपको पेट्रोल की कार चला के? ऐसा लगता है पेट्रोल कार चला रहे जैसे खींच रहे हो अपने आप से। खींच रहे हो अपने आप, मतलब कार नहीं चला रहे कार। और इसमें क्या लगता है, मतलब धोखे से अगर एक्सीलेटर से पैर हट गया तो कार बंद हो गई। बंद हो गई। और इसमें क्या लगता है कि हम कार नहीं चला रहे, कार हमें चला रही है? अभी देखो पैर कहीं नहीं है, एक्सीलेटर वगैरह पे कहीं नहीं, और थर्ड गियर में है कार। हाँ, और अपने आप ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ वो तो खैर रहता है पेट्रोल का। तो अभी क्या नाम, इसका AC वगैरह कैसा काम कर रहा है? सब कुछ मस्त एकदम। नहीं फैन स्पीड थोड़ा इसमें कैमरे में गड़बड़ करती है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वुडन फेस वगैरह अच्छी एकदम परफेक्ट मिलती है। इसकी भी कोटिंग आती है डिफरेंट तरह की। तो भाई ये कौन से, कितने सीसी का इंजन है इसका? 1500 सीसी। और कितनी सर्विस हो चुकी है इस कार की अभी तक? 3 हो चुकी है, चौथी होनी है। चौथी होनी है, अच्छा। तो चौथी सर्विस कितनी, 30,000 किलोमीटर पे होगी ना? 40 पे। और इस कार में भाई हमें सिखाते हैं 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि रिवर्स गियर भी इंक्लूड है। तो भाई खुदावन से आ चुके हैं बाहर की तरफ अभी। इधर रहे, थोड़ा आगे चलते हैं, एक है जगह आगे, लोकेशन बहुत मस्त जगह है। तो भाई खुदागन में एंट्री करने के लिए पुल क्रॉस करना पड़ता है। चलो भाई, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी पर्सनल लोकेशन पे। कॉपीराइट लग जाएगा यार, कॉपीराइट लग जाएगा। जी क्या है पीछे भैया, कैसे निकलेगी? निकल जाएगी ना, निकलेगी। नीचे गड्ढा नहीं है जहाँ से उतरोगे। अच्छा हाँ, सौरभ चलियो गाड़ी लेने। कहाँ? उर्मेश भैया खरीद रहे हैं ना गाड़ी। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे। हमारी इच्छा थी। कौन खरीद रहा है स्विफ्ट? उर्वेश भैया पत्रकार महोदय। अरे सर, सर तो स्माइल है। तो भाई ये है इसका ऑल ओवर लुक, हमारी अर्टिगा ZDI प्लस का। भाई इस कार को आज 2 साल और 1 महीना हो चुका है, और भाई डीजल कार है ना, बहुत ही सही इसका परफॉर्मेंस निकल रहा है अभी तक। देखिए भाई, और कंडीशन अभी कार की बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, कोई भी इसमें अभी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है अभी तक। भैया फोन रख दीजिए जरा 2 मिनट के लिए। तो बताइए सर, इसमें क्या आपने कितनी बार ब्रेक शूज वगैरह इसके चेंज करवा दिए हैं? ब्रेक शूज वगैरह नहीं चेंज हुए, एसी फिल्टर हुआ है 2 बार चेंज। अच्छा, और एयर फिल्टर हुआ है 1 बार चेंज अभी तक। अच्छा, तो आपको कोई मतलब रिग्रेट इस कार को लेके?
अभी नहीं, वैसे खास एक गेट थोड़ा आवाज कर रहा है उसकी रबड़ की वजह से। अच्छा, तो सर्विस तो करवाओगे तब हो ही जाएगा रिजॉल्व? ये तो नॉर्मल सी चीज है यार, इंजन से कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। तो भाई यार डीजल कार अगर देखी जाए तो बर्थ थी उस टाइम पे, बट पता नहीं बंद करने का रीजन क्या था, इतनी अच्छी सेलिंग वगैरह चल रही थी सब कुछ। इंजन के कास्ट को लेकर इन्होंने डीजल कार बंद की है। अच्छा, ये अगर आपसे बात करें तो इसके इसमें आप हमें बताइए इसमें चेंज क्या क्या चीज़ आप करवा चुके हैं क्लेम पे? बम्पर, फेंडर, अच्छा बस, और इंटरकूलर वगैरह तो हुआ था। अच्छा, तो इसका ये फ्रंट का बम्पर चेंज हो चुका है, कितनी बार चेंज हो चुका है ये वाला? दो बार मतलब हैवी ड्राइवर हैं आप। सही है भैया। और साइड का फेंडर भी ये चेंज हो चुका है, इस पर फिर से पेंट लगी थी, कंप्यूटर पेंट होती है वो, फिर से की गई थी इस पर। और भाई ये आपका कैसे टूट गया था इस तरफ का, ये कैसे टूट? ट्रक वाले से क्या हुआ था? साइड में उसने पहले साइड दी, फिर साइड में मैंने गाड़ी आगे निकालने के लिए आगे बढ़ाई गाड़ी, तब उसने साले ने साइड मतलब कट मार दिया। अच्छा, फिर मैंने आगे ले जाके उसे ठोका भी इसी गाड़ी से, ट्रक वाले को रोक के ठोका। सही, हमें लगा गाड़ी से ट्रक को ठोका। चलो सही है यार, फिलहाल इसमें रिक्वेस्ट सेंसर आता है डोर लॉक अनलॉक करने के लिए। चाबी देना इसकी जरा। तो भाई ऐसी कोशिश की जाती है इस कार में हमें, इसका एक चीज़ है जो इसकी नेक्सा की कारें हैं उसमें पीछे से पूरा ऑल ब्लैक चाबी आती है, और इसकी ये कि में पीछे ब्लू आता है जो मारुति सुजुकी अरीना की चाबी होती है। तो भाई इसमें ये रिक्वेस्ट सेंसर दिया जाता है इसमें एंट्री वगैरह करने के लिए। तो देखिए भाई ये है ऐसा कुछ, इसका इंटीरियर और डैशबोर्ड देखने में मिल जाता है, जो कि भाई अभी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और देख सकते हैं आप लोग सब कुछ एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये इसका पुश स्टार्ट बटन से इंजन स्टार्ट होता है इसका, भाई अंदर देख सकते हैं आप कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये डीजल वेरिएंट है इसका। तो भाई अभी निकलते हैं घर की तरफ। फिर आपके इसमें क्या लग रहा है आपको कि इस कार को कब तक हटाने का प्लान है आपका? सोचेंगे कि जब कोई पैसे की इनकम बढ़ेगी, नया कुछ आएगा। नहीं वो तो है, लेकिन क्या नाम, कार कौन सी लेना चाह रहे हैं आप आगे इस सेगमेंट में? कोई बेस्ट कार ही लेंगे, डीजल कार। डीजल कार ही लेंगे आप, कभी पेट्रोल नहीं लेंगे? नहीं। अच्छा, तो क्या नाम, कोई मतलब सेगमेंट में कोई पसंद आई हो इसमें? टोयोटा इनोवा। चलिए ठीक है, वैसे अपने एरिया में यार थोड़ा इनोवा या थार डीजल। चलिए ठीक है भाई, बढ़िया यार। और देख सकते हैं भाई इसका टॉर्क एकदम मतलब अलग ही चीज लग रही है बिल्कुल चलते हुए। पेट्रोल कार तो मुझे लग रहा है शायद कभी इतने इस तरह से नहीं चलती है इस टॉर्क के साथ। भाई आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से आपकी कार की कोई ना कोई वीडियो हम लेकर आएंगे। इसकी नेक्स्ट सर्विस कब करवा रहे हैं आप? टाइम पूरा हो जाने के बाद नेक्स्ट सर्विस कराएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अरे थैंक यू भैया। चलिए ठीक है, इसकी नेक्स्ट सर्विस की वीडियो बनाते हैं किसी दिन। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। तो भाई अभी एक अजब मतलब अजीब सा ही इंसिडेंट हुआ है हम लोगों के साथ। भाई मारुति सुजुकी अर्टिगा की चाबी रह गई है मेरे पास, और कार लेके चले गए भाई साहब। तो अभी हम जा रहे हैं उनको कार की चाबी पहुंचाने, और कार जाके लगभग पहुंची है 500 मीटर दूर और कार हो गई है बंद। तो भाई अभी चलते हैं इस चाबी को। भाई कीलेस का ये तो रहता है थोड़ा, तो भाई बो रही सामने कार। का कर ले होना है भैया, और ले लो कीलेस वाली गाड़ी। वो बंद हो गई बीच बीच में। लो पकड़ो फोन, जरा फोन पकड़ो ना, बनाओ वीडियो। तो लीजिए आपकी चाबी और
चलते हैं फिर भाई, बना लो थोड़ा भाई साहब। दो मिनट बाद बन जाएगी साली, दो मिनट बाद चलो ठीक है, आप पहुँच चलो, आप घर पे चलो। तो भाई चलते हैं अब घर की तरफ।